दिवाली जय श्री राम। जय श्री राम। कभी कुछ मिला कभी कुछ मिला, दावत हो गई पक्की। उतना मजा आया, बहुत मजा आया है ना कुकी? है ना, मीठी कभी तीखा कभी मीठा, कभी तीखा कभी मीठा। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वीटी के ब्लॉग्स में। और गाइस, सुबह सुबह हम नहाकर रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। टाइम हो रहा है 9:30, वैसे 9:40 हो रहे हैं, 9 से 9:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। और मौसम ना वैसे ठीक ठीक है, और दिन से तो ठीक है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो मौसम मतलब कोहरा नहीं है आज, सबसे बड़ी बात तो ये है कोहरा नहीं है। लेकिन अभी जैसे वो झड़ता नहीं है कोहरा, पता नहीं वो कहाँ से ही झड़ रहा है, बारिश सी मतलब हल्का हल्का ऐसे हवा चल रही है। और अब मौसम को कुछ नहीं कह सकते, ठीक भी हो सकता है ख़राब भी हो सकता है। अभी तो ना धूप है ना कुछ है। मैंने नहा के ना ये ऊपर लगा लिया इसकी पिन, वैसे तो ये कार्डिगन खुला ही अच्छा लगता है, बट मैंने ये लगा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और ऐसा गंदा सा हो रहा है ना, गंदा तो अच्छा। मैंने इस पर बाल, आप किसने करे हैं इस पर बाल? सेठू आपने करे हैं ना? देखो देखो, आपने अभी बाल तो वो करे थे, झाड़े थे ना अभी, ऑयल लगाया था। हाँ तो वो पानी में करी, पानी कहाँ से आ गया ये? क्योंकि मैंने तो गाइज आज आपको पता है मैं मतलब मेरे बाल तो वैसे सुखा लिए हैं मैंने, कैसे सुखाए मैं धूप में सुखाती हूँ, लेकिन आज मैंने कैसे सुखाए, बस बहुत दिनों बाद मैंने अपना बड़ा वाला ड्रायर निकाला है ये, ठीक है। फैन सिटू कर रहे हैं पूजा की तैयारी। ओफ सिट, कुछ दिख गया पीछे से आपका। हाँ ये भी नहा लिया पूजा, मतलब वो थोड़ा सा साफ कर रहे हैं, वैसे तो साफ ही है, वो झाड़ा है रेड वाला कपड़ा और कान्हा जी को उठाया है, बस मैं भी पूजा करूंगी उसके बाद मंदिर चलेंगे। हाँ मुझे वो भी तो करना है, अभी फूल वगैरह वो करने हैं बाहर थोड़ी बहुत, मैंने ये रंगोली के लिए मंगाए थे। मौसम सा खराब हो रहा है यार, अच्छा मौसम होना तो कुछ भी कर ले। हाँ बोलो क्या हुआ, बोलो क्या लाऊं? अनार और फुलझड़ी तो ये बोलो ना। चलो, और मैंने सिंदूर नहीं लगाया, अभी सिंदूर लगाती हूँ और ये फिर बहार ले जाके उसकी छोटी छोटी सी रंगोली बना देती हूँ, एक या दो, अभी क्या हो गया यहाँ रख लिया, एक या दो मतलब ऐसे रंगोली सी बना देते हैं। बहुत ठंड हो रही है, पता है मेरे तो हाथ वाथ सब अकड़ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस सिटी में देखो बाहर डेकोरेट भी कर दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैंने ऐसे ही कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसे भी अच्छा है। शाम को ना दिए जला देंगे इनमें सब में, है ना सिटू? हाँ पता है ठंड इतनी हो रही है गाइस, बहुत ज्यादा। गाइस अब तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है सिटू, देखो सुबह कैसा था, मंदिर भी नहीं जा पाए, पता है इतना टाइम हो रहा है अभी, सुबह का सुबह था अंधेरा अंधेरा। हाँ तो गाइस लड़ी देख लो, हमारी लड़ी चल रही है अब भी, बंद नहीं करेंगे, आ जाना। नहीं आज भी करेंगे बंद, आज बंद नहीं, आज चलिए आज का तो है सबसे मेन। और क्या गाइस, बहुत ठंड है, इस हवा ने ना मुझे कैप पहनने पर मजबूर कर दिया। बहुत ठंड हो गई है सच में, भी बंद रखा है। और गाइस अभी हम मंदिर भी नहीं गए, मंदिर भी जाना था हमें, चलो चलते हैं मंदिर। रामायण का पाठ हो रहा है यहाँ पे मंदिर में ना, उसके बाद शायद प्राण प्रतिष्ठा यहाँ थोड़ी होगी। नहीं बाबू, तो एक जगह होगी, हर जगह नहीं कर सकते, तो अयोध्या में तो अयोध्या में होगी, ये कि देखेंगे सब लोग लाइव। यहाँ पर सिटू बना रही है पकौड़े, क्योंकि कोको की डिमांड है, मुझे खाने हैं पकौड़े। मैंने मना भी किया, मैंने कहा यार भूख लग रही है बहुत, पता है 11:10 हो चुके मंदिर से आए ना, मंदिर में कितना मजा आ रहा था ना, कीर्तन हो रहा था, फिर हम बैठ गए थे थोड़ी देर वहाँ, कोको करी नहीं, मैं तो पकौड़े, उसने मुंह बना रखा था, मुझे चलना है चलना है, फिर हम जल्दी आ गए। और अभी तो वहाँ हवन हो रहा है ठंड कम नहीं हो रही, ठंड कम नहीं हो रही। मैंने कहा ना आज मैंने कैप पहना है, उतारने का मन नहीं कर रहा, सिटू तो कह रहे चेंज कर लो कपड़े, कपड़े इनमें ठंड लग रही होगी, इसलिए चेंज कर लो गाइस। आज प्याज के पकौड़े ठीक है, और मिठाई भी लेने गए थे, वो वाली मिठाई की दुकान बंद थी वहाँ पे, पता नहीं जा रहे
मैं भी चलूंगी, पर ठंड बहुत हो रही है। कुछ चेंज करके चलना है, ऐसे नहीं चलना। हाँ ठीक है, चेंज करके चलूंगी। तो ठंड है, मैं कह रही मौसम खुल जाएगा तब साड़ी पहनूंगी, पर मुझे लग नहीं रहा मौसम, क्योंकि मौसम ना बहुत बुरा हो रखा है। गाइस चाय बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, मिलते हैं आपसे हम चाय नाश्ते के बाद। कुकी कैसे हैं बेटा, अच्छे लग रहे हैं, खा लो। मैंने ना कुकू के कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि हम जल्दी वहाँ गए थे ना मंदिर, तो इसीलिए था लाइव 22 फरवरी 2024। हाँ उनका लाइव चल जाए तब चला लेते हैं, अब तो वैसे भी 11-15 हो रहे हैं। लाइव तो बहुत आ रहा है, लेकिन कल के आ रहे हैं वो लाइव वीडियो। अयोध्या लाइव 22 जनवरी। हाँ चलो गाइस चाय पी लेते हैं। शंख बज चुका है तो सारे बोलो जय श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और पुष्प वर्षा हो चुकी है हेलीकॉप्टर से, है ना सिडू? हाँ। और कितना मजा आया ना देखने में, और क्या, बहुत देर से देख रहा था मैं ऐसे ही लाइव। ये बोले अभी नहीं, अभी नहीं, अब समाप्त हुई है ना। हाँ। आज तो टीवी पे भी मजा आ रहा देखने में, है ना सिडू? क्या गाइस, वैसे तो आपने दर्शन कर लिए होंगे, लेकिन मैं अभी यहाँ से पास से दिखा देती हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। वाओ, ऐसे लग रहा है सिडू, है ना, जैसे असली में ही ऐसे है ना विराजमान, है ना। जय श्री राम। और क्या, मानो तो सब कुछ है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम। हाँ रामलला, पांच साल के है ना। रामलला जी की जय हो, रामलला जी की जय हो। कितना अद्भुत दृश्य है यार, मजा आ गया देख के, है ना। ये होती है दिवाली, है ना। और क्या ना, मतलब ना घर में ही ऐसा फील हो रहा है, वाह क्या, मतलब अलग अलग। और कुछ बोलना चाहोगे? और बोलना चाहेंगे, आप सभी बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कुछ, जय श्री राम। और सभी को हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। हाँ हमने तो बोला ही नहीं, बोल दिया या फिर बोल तो दिया, हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। हाँ हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। चलो एंजॉय करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है ना। तो भी मैंने पोनी टेल बना लिया है ना, और यहाँ पोनी टेल चोटी, और यहाँ पे ना फ्लैग के पास एक दो फोटो कराए, और देखो कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पार्क में, बहुत ज़्यादा। जय श्री राम। ये देखो इन्होंने यहाँ टांग दिया, पहले ये वहाँ था, वहाँ भी पता है जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अभी गिर जाता सीटू फोन, यहाँ पर टेढ़ा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा हैवी है ना, ज़्यादा बड़ा है। गाइस देखो वहाँ देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, दिखाती हूँ आपको, देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो झुंड सा बना हुआ है, यहाँ पे भी और आगे भी। देख के आते हैं क्या हो रहा है वहाँ, है ना। गाइस हम बाहर आए थे, हम ना अपनी कॉलोनी में गए थे, वहाँ भंडारा हो रहा था, लेकिन वहाँ ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, आपको पता है घर पर चाहे ना लाख कुछ बना लो, लेकिन ना इतना मज़ा नहीं आता, भंडारा तो भंडारा ही होता है। सीटू देखो कहाँ गए हैं भाग के, वहाँ हलवा लेने के लिए ला रहे हैं सीटू। आराम आराम से आओ ना, कितने तेज मतलब आ रहे हो भाग भाग के, आराम आराम से बोल रहे, दो दे दो, मैंने वहीं से समझ लिया था, है ना कुकी। सुबह पता है मैंने बोला भी था, मैंने कहा चलो कुछ बना लेती हूँ, पर मैंने पकौड़े बनाए थे, फिर कह रहे नहीं आज तो भंडारा ही खा के रहूँगा, मैंने कहा चलो ठीक है, आज वैसे भी इतना बड़ा दिन है, आराम से आना बिल्कुल आराम से। क्या है, हलवा खीर है, अरे वाह, आज द्वादशी है ना, फाइनली फाइनली मिल गया। इसे देखो बेटा यहीं आ जाना, मुझे से आ जा, तो हम आ चुके हैं घर, और घर आते ही मैंने कर लिए कपड़े चेंज, से घर आए हुए हमें आधा घंटा हो गया, और अब 4 बजने वाले हैं, 5 मिनट है मतलब अभी। और भाई तगड़ी वाली ठंड लगी मुझे, मेरी नाक लाल हो रही है बिना ब्लश के, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। हाँ फिर इन्होंने स्वीटर ने तो बोला कैप वैप लगा लो, और मतलब कंबल में घुस जाओ 1-2 घंटे के लिए, और जो है तैयार। मैं जा रही हूँ अभी अंदर, क्योंकि मेरा ना ऐसा हो रहा है कि ठंड ठंड से ना देखो कितना कितने मज़े किए, और पता है हमने गए सूट भी नहीं किया था, और सूट बाद में तो हमने बाद में गए, हमने हलवा भी खाया था, एक जगह हलवा मिल रहा था, हलवा पता है हमने कैसे खाया था, जैसे वो आए, जैसे वो मिलना स्टार्ट हुआ ना तुरंत आए वो, हम तो स्कूटी इतने रोकी भी नहीं, तुरंत हमें मतलब ऐसे आके दे दे, फिर हमने स्कूटी रोकी, तभी हम गए घर से खाने के लिए, निकले मेरा कैप लगा, खाने के लिए निकले, ठीक है।
पहले तो हमने आसपास गाइस मैंने बोला था ना आपसे, मैंने गाइस मैंने बता दिया, मैंने कहा हम स्पेशल भंडारा खाने के लिए निकले हैं। हाँ, और निकल गए थे गाइस। हमने पहले भंडारा, हमने जाते समय खीर खाई, उसके बाद हमने हलवा और पूरी और सब्जी खाई, उसके बाद आते समय हमें हलवा मिल गया। उसके बाद सिटो कह रही यार सिटो कमी रह गई, वहाँ पर चावल भी थे, जैसे ही बोला तुरंत कड़ी चावल मिले और लड्डू मिला। भगवान जी कह रहे थे बच्चा तुम टेंशन ना लो, मैं तुम सब चीज खिला दूंगा। और गाइस पता है, अब चलो सिटू इसी बात पे, सिटू पता है हमें दावत हो गई पूरी, अंदर बैठो क्योंकि और गाइस बहुत मतलब तब जैसी हमारी दावत हुई ना, उसके बाद भाई इतनी टीवी की थी तेज आवाज, उसके बाद इतनी बुरी ठंड लगी भाई। फिर आए आकर कुकू ने बोला मम्मा मुझे फूलझड़ी जलानी है। मैंने कहा बेटा अभी नहीं, रात को जलेंगे। पर नहीं मम्मा मुझे अभी जलानी। तो फिर मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, फूलझड़ी वगैरह इसको जलवाई, छत पे गई, एक दो कपड़े डाल के आई छत पे। इतनी तेज़ हवा चल रही है, धूप नहीं है, कल के जैसा मौसम है बिल्कुल, मतलब खिला तो हुआ है मौसम लेकिन हवा चल रही है बहुत तेज, इतनी मतलब सिर्फ इतनी ठंड लगी है ना, एकदम वो पड़ाके वाली ठंड नहीं होती, एकदम वो बुरी वाली ठंड हो रखी है, बहुत बुरी वाली। और ये देखो यहाँ से दिखा देती हूँ मैं आपको, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है। धूप निकलेगी लेकिन अब नहीं निकलेगी, तो चार बज के कल के जैसा मौसम है, मैंने बताया नहीं साढ़े पाँच से वही धूप निकल जाएगी कल के जैसा मौसम है बिल्कुल। और अभी कुछ नहीं, हमने दिए वगैरह सब भिगो दिए, दिवाली की तैयारी हमने कर दी है। कान्हा जी को आज हमने येल्लो वाली ड्रेस बनाई है, ये देखो कानूड़े अपना कम्बल ओढ़ के बैठे हैं लेटे हैं। रात को देखूंगी मैं, साड़ी तो मैं अब नहीं पहनने वाली हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है, पता नहीं ठंड लग रही है मुझे, अजीब सा लग रहा है मेरे पेट में ना, कितनी बार बोलो देवी, जब यहाँ से गए थे तभी से लग रहा है। चलो कंबल में मैं ना था मैं जा रही हूँ गाइस, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ मैं। मतलब यही बता रही थी कि ना अब मैं मतलब या तो मैं यही पहने रखूँगी या फिर पहनूंगी तो मैं अपना सूट पहनूंगी जो मैंने उतारा था, अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, ठंड लग रही है बहुत तेज, वैसे भी चार बज चुके हैं अभी तो थोड़ी देर बाद फिर। हाँ मैं देख लूं टीवी, नो प्लीज। मजे आए बाहर गए थे? हाँ? हाँ? क्या क्या खाए थे आपने? फिर बाद में कड़ी चावल भी खाए थे ना, है ना? कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिला, कभी कुछ मिला, दावत हो पक्की, उतना मजा आया, बहुत मजा आया है ना कुकी? हाँ। है ना, मीठी मीठी, कभी तीखा कभी मीठा, कभी तीखा कभी मीठा। और हमने जय श्री राम भी बोला था ना, इसमें बोल दो बहुत तेज, जय सियाराम, जय सियाराम। ठीक है तो चलो मिलते हैं बाद में गाइस। तो हमने यहाँ 21 दिए ले लिए हैं, पूजा हमारी हो चुकी है अच्छे तरीके से, और 21 दिए तो हमने मतलब वैसे जलाए हैं। मोदी जी ने बोला था सीटो कि 21 दिए तो जलने ही चाहिए, हमने अपनी खुशी से है ना, फिर भी दिवाली है तो 21 दिए तो जलने ही चाहिए कम से कम, और भी रखे हुए और जलाने के नहीं, इतने तो बहुत है क्योंकि गाइज लाइटिंग ऑलरेडी हमने कर दी है, हर जगह उजाला है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, देखो मेन बात ये है। तो अभी मैं जला रही हूँ, फिर चलेंगे बाहर जलाने। और पता है पटाखे फूटने स्टार्ट हो गए हैं काफी देर से। राज कान्हा जी को भी पता है न्यू ड्रेस पहनी थी, मैंने आपको दिखा तो दिया था। और क्या कहना है, बस मैं इनसे बोल रही थी बाहर चलेंगे ना, बोला अभी तबीयत कैसी लग रही है, अभी आराम लग रहा है तो बस दोबारा ना खराब हो जाए, यहीं रहो घर में ही। गाइस देखो हमारे यहाँ पे पूजा होने लगी है, मतलब दिए जल रहे हैं, पूजा हो चुकी है। कोको बेटा तू देखने ना दियो ना, इस वजह से गाइस कैसे पागल हो रही है। बस गाइस देखो, तो गाइस देखो ऊपर दिखा दो ना, वाह यार। और अभी छत पे चल रहे हैं जलाने के लिए, तो गाइस हमने छत पर भी दीपक लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं पूरी छत जगमगा उठी है। और देखो पटाखे पटाखे दिखाओ ना, ओ गाइस ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली अभी तो गई थी और फिर आ गई, ऐसा लग रहा है क्या बहू? है ही वो, तो आज दिवाली है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही लग रहा है, बहुत मतलब हर जगह ना पटाखों की आवाज आ रही है हर जगह। तो आज देखो आज बहुत सारे लोगों ने लड़ी लगाई है और हमने पहले लगाई, बहुत सारे लोगों ने आज लगाई है। हाँ हमने सोचा कि हमने मतलब हमने लगाई, किसी ने नहीं लगाई, बट आज लगाई है बहुत सारे लोगों ने, लड़ियाँ लगाई हैं घरों में, जगमगाहट क्या बोलते हैं, अरे जगमगाहट नहीं बोला जा रहा, जगमग की है मतलब लाइटिंग की है, तो अच्छा लग रहा है काफी ज्यादा। और हमने छत भी ऐसे प्रॉपर वो कर दिया, और अभी फूल झड़ी और अनार भी जलाएंगे, कुकू अपने पॉपअप वगैरह वो सब फोड़ेगी। चलो चलो ठीक है, मैं कपड़े चेंज करी थी लेकिन उन्होंने कहा आप कहीं जाओ नहीं बहू, ऐसे ही रहोगे ठंड लग रही है, तबीयत खराब हो रही है, चलो कुछ पहन लो नीचे सॉक्स पहन के खाली, इसलिए बाकी अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चलेंगे थोड़ी बहुत आतिशबाजियां करेंगे, पटाखे बड़े वाले तो नहीं लेके आए लेकिन छोटो से
हमें पसंद नहीं है बड़े पटाखे। हम तो बड़े वाले तब भी नहीं लेके आए थे, है ना। हाँ करो, देखा कितने सारे फूट गए। गाइस इसने ना आधे से ज्यादा पॉपअप तो ऐसे ही फेंक दिए हैं, और मैं तो अपने लिए जला लेती हूँ फूलझड़ी, ये लोग नहीं जलाएंगे। और पता नहीं लाइट कैसे चली गई है, वैसे आज के दिन भी पता लाइट जानी नहीं चाहिए, जैसे दिवाली पे जितनी जाती ना उस वाली पे ऐसे ही नहीं जानी चाहिए। कलरफुल है तो मैं क्यों जला रहा हूँ। क्यों आप जला लो अपनी अलग से। हैप्पी दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली, जय श्री राम, जय श्री राम। द्वार से जलाओ, हाँ अब बोलो जय श्री राम, बस बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप जला लो ये, पता है सर्दी की वजह से हो रही है, एक बार धूप में सूखती है ना, है ना बेटा। हाथ नहीं लगाते हैं, तो बहुत देर से लगी हुई है, देखते हैं कब तक जला पाती है। बेटा कितनी पीछे से जला रहे हो, आगे से जलाओ ना, यहाँ पे लो इसे आगे, और यहाँ पे देखो मेरे पास आगे से जला। हाँ यहाँ से आगे से आराम से आगे से ऐसे करके, ठीक है पीछे से जलाओगे तो फिर पीछे से जल जाएगी, आगे से नहीं जल पाएगी, है ना। और क्या, आपकी तो जली नहीं है, जलगी जलगी। हैप्पी दिवाली, जय श्री राम, ओको जय श्री राम। जल रही है, देखिए मैं पहली बार ये लड़की कुछ करने जा रही है मेरे सामने, कुछ करने जा रही है, है। सेठ हो आपके हाथ खोलना दूसरे वाला माचिस, फिर ये क्यों उठाई, से वो नहीं पाएगा ना जल्दी, इसीलिए। बहुत बढ़िया, आपको पता है ना। कोको हट जाओ, मम्मा कुछ कमाल कर रही है। गाइस पहली बार सेठू जिंदगी में है, सेठू पहली बार। ओ बैठे रहो, मैं अपना बता दूंगा, डरो नहीं, अभी बैठे रहो, डरो नहीं, ये अनार है, कोई बम नहीं है। अब हो जाओ सही, वहीं खड़े हो ना, जब भी तो आओगे फोन में भुज गया, फट गया तो फटेगा। गाइस देख रहे हो आप सेटू, ये कोई बहुत बढ़िया बच्चा, इसे उड़ के भाग जाएगा। लगा के रखो, अभी लगाओ लगाओ, अब आ जाओ खड़े हो जाओ उस पास में इसके। हाँ ऐसे तो गाइस जिन्होंने जिंदगी में पहली बार अनार जला ही दिया, अरे कहाँ चले गए, पीछे जाओ, देखा मेरे को हाथ जलाएगी क्या सीधा करने से। करो बेटा इसको, तो बिल्कुल उस पे ही रख दिया, जब भी जला फिर बंद हो गया, सर्दी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसे रखो तब होएगा। तो गाइस ये कोको का अनार है, तो गाइस अभी हमारा सोने का टाइम, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और मेरे यहाँ पे ना फुंसी हो रखी है, तो मैंने थोड़ा ना ऑयल भी लगाया है, आपको ऐसे दिख रहा होगा ना थोड़ा सा, और मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है, क्रीम लगा ली है अपनी, और अब देखो कैसे लग रहा है। ये डार्क सर्कल नहीं है, ये जो काजल है ना वो थोड़ा सा ऐसे स्मच हो गया है, फैल नहीं गया, मतलब ठीक हो गया अब तो। वही तो लेट भी गए अपना, खाना पीना खा के सारा काम हो चुका है, एडिटिंग वगैरह करूंगी सुबह, अब सोऊंगी मैं, थक रही हूँ, है ना। दूध पिए गरम गरम नहीं, चलो मैं तो देखूंगी पीऊंगी। और गाइस आज का दिन बहुत अच्छा गया, दिवाली मतलब बहुत अच्छी लग रही थी कि हाँ भाई सच्ची में दिवाली है, लोगों के मन में खुशी दिख रही थी, वो तो जैसे मतलब दिए वगैरह जलाए थे, लाइटिंग की थी लोगों ने। और आपको आपकी कैसी मनी दिवाली बताना, और मैं तो यही चाहती हूँ कि हर बार हर 22 जनवरी को, है ना सेठू, हर बार 22 जनवरी को ना छुट्टी होनी चाहिए, गवर्नमेंट छुट्टी होनी चाहिए, और उस दिन ना कैलेंडर वगैरह में भी दिवाली मतलब एस मतलब प्रॉपर वैसा होनी चाहिए कि ना, कि है ना सेठू, कि दिवाली के नाम से छुट्टी है। हाँ, हर 22 जनवरी को गाइस वैसी छुट्टी होनी चाहिए हमारे हिसाब से, दिवाली होनी चाहिए, क्योंकि फिर अगले साल राम की रामलला जी 6 वर्ष के हो जाएंगे, तो हर साल उनका जन्मदिन मनाया जाए ऐसे दिवाली के रूप में हर वर्ष। हाँ।
हर वर्ष ऐसे होना चाहिए। और गाइज कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, जितने भी लोग हैं, मतलब कितना प्राउडली फील होता है हमें, मतलब ऐसा सोचने में। और हम मतलब सबको बताएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन होगी, हम घुमाने ले जाएंगे, हम मतलब उनको बताएंगे कि हमारे टाइम में जब हम थे हमने ऐसी दिवाली मनाई थी, है ना, सामने हुआ है। हमारे सामने ऐसा सब कुछ हुआ था, ये सब हुआ था, अयोध्या को जो वो मंदिर है वो बना था, है ना सिडू, कितनी मतलब एक कहते ना एक अंदर फीलिंग है वो, मतलब हमारे आगे मतलब वो चीजें पूरी हुई है, जैसे हम रामायण वगैरह में देखते थे, तो वो आज वो चीज ऐसे लग रही है कि आज वो चीज हुई है फुलफिल, और बहुत अच्छा लग रहा है, और सच में दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कह तो रही हूँ मेरे मतलब अब दिल वैसा कर रहा है, धक 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 धक, जब दिल से आवाज आती है ना तो बहुत वैसा लगता है। आप बोलो, आज जो खुशी है ना वो दिल से है गाइस, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है हमारे सामने, कुछ ऐसा हुआ है जो हमें कि हम बता सके कि हाँ ये चीज हमारे सामने हुई है ना। और गाइस बहुत खुशकिस्मत है हम इस जीवन से, मतलब हमें इसमें हमारे सामने जो हुआ हम बोल भी नहीं पा रहे, मतलब जो हमारे अंदर फीलिंग है ना, बस जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा मतलब कि जो दिवाली है ये मतलब बहुत ही कहते हैं ना दिल वाली दिवाली थी, ये वाली जय श्री राम वाली दिवाली थी, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप लोग भी जय श्री राम लिखना कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो, और आपने ऐसे ही दिवाली मनाई हो तो, अगर आपको ये अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जय श्री राम जरूर लिखना, जितने भी लोग देखेंगे और जितने भी लोग जो है शेयर करेंगे, सब लोग जय श्री राम लिखना। और आगे ऐसे व्लॉग आते रहेंगे कंटिन्यू, लाइक कमेंट शेयर करो, शॉर्ट वीडियो भी आती रहेंगी, सपोर्ट करो और शेयर करो। हाँ जी, सब्सक्राइब भी करो गाइस।